विधानसभा चुनावों में भाजपा के प्रत्याशी रह चुके राजेश कश्यप ने सोलन वासियों को वायदा किया था कि सत्ता में आते ही वे सोलन को नगर निगम का दर्जा दिलवाएंगे। चुनावों के दौरान भाजपा का हर छोटा बड़ा नेता यहां आया और सभी ने सोलन को नगर निगम बनाने का वायदा किया। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की हां में हां ही मिलाई थी, लेकिन 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है, अभी तक सोलन नगर निगम बनाने की प्रक्रिया तक आरम्भ नहीं हो पाई है। विधानसभा चुनावों में भाजपा के प्रत्याशी रह चुके राजेश कश्यप ने सोलन वासियों से वायदा किया था कि सत्ता में आते ही वे सोलन को नगर निगम का दर्जा दिलवाएंगे। चुनावों के दौरान भाजपा को हर छोटा बड़ा नेता यहां आया और सभी ने सोलन को नगर निगम बनाने का वायदा जरूर किया था। यही नहीं, प्रदेश में भाजपा की जीत के बाद मुख्यमंत्री भी कई बार सोलन का दौरा कर चुके हैं और हर बार उन्होंने सोलन की जनता को नगर निगम का वायदा किया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने भी जयराम ठाकुर की हां में हां मिलाई थी, लेकिन 2 वर्ष का कार्यकाल अभी पूरा होने जा रहा है, लेकिन आज तक सोलन को नगर निगम की प्रक्रिया भी शुरू नहीं होने पर रोष है। नगर निगम के मुद्दे पर भाजपा नेता राजेश कश्यप ने कहा कि सोलन को नगर निगम बनाना ये तय है, लेकिन सोलन की 8 पंचायतों को इस प्रक्रिया में सहमति जितानी पड़ेगी, जो कि अभी तक नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही गांव के प्रधानों और ग्रामवासियों से इस बारे में चर्चा करेंगे और नगर निगम के नफा नुकसान के बारे में भी जानकारी देंगे। उन्होंने मीडिया के माध्यम से सोलन की जनता से आह्वान किया कि वे सोलन को जल्द ही नगर निगम बनाने का तोहफा दिलवाने का प्रयास करेंगे। जहां तक सोलन शहर को नगर निगम बनाने का प्रश्न है, ये प्रश्न पहले ही जब हम चुनाव में उतरे थे भारतीय जनता पार्टी की ओर से 2017 में, माननीय उस वक्त के हमारे मुख्यमंत्री के कैंडिडेट माननीय प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी ने सोलन बस स्टैंड पे अपनी रैली में ये बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि भी सोलन के लिए जो है नगर निगम दिया जाएगा, और उसके तत्पश्चात सोलन भारतीय जनता पार्टी मंडल माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिला और उन्होंने जो है इस पे जो है हमें आश्वासन दिया 2018 में भी लोकसभा इलेक्शन से पहले कि सोलन को नगर निगम बनाया जाएगा। इसमें जो है 2 स्टेक होल्डर्स हैं, एक शहर वाले और दूसरे गाँव वाले। गांव वालों का जो एक पक्ष है वो भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी काफ़ी सारे जो हमारी पंचायतें हैं आसपास की, उसमें जो है अभी काफ़ी एरिया जो है वो कल्टीवेबल लैंड है और काफ़ी सारे लोग जो है पशु भी पालते हैं, गायें भी पालते हैं, तो उनका भी पक्ष देखना पड़ेगा। इसलिए जो है इस पे विचार किया जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई बार जो है इस पे जितनी बार भी जो है हमारे बड़े मुख्य नेता गए हैं उन्होंने विश्वास या आश्वासन दिया है कि सोलन को नगर निगम बनाया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो नगर निगम बनाने के जो प्रश्न है इस पे 2 नोटिस जो है प्रधानों के लिए जा चुके हैं, तो उसमें बल्कि पीछे तो कुछ पंचायतों ने उसमें हाँ भी कर दी थी, 1-2 पंचायत कहाँ जहाँ तक आया था, लेकिन फिर वहाँ पे कुछ लोगों की ऑपोजिशन हुई है और उसके बाद उस पर थोड़ा सा जो है वो स्लोनेस आई है। लेकिन अब हम जो है जितने भी हमारे गांव के जो प्रधान हैं, गांव के लोग हैं, उनसे भी हम मिलकर बात कर रहे हैं कि अगर आपको भी इसमें मिलना है तो मिलिए। तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एस टुडे के साथ। नमस्कार।